मित्रों 5 अगस्त 2019 का डेट तिथि मैं कोई शब्द छोड़ना नहीं चाहता, कश्मीर के इतिहास में सुवर्णमय अक्षरों से लिखा जाने वाला तिथि है। कश्मीर के अंदर एक नई शुरुआत हुई, दहशत, आतंकवाद, भय, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का अंत होकर शांति, विकास, समृद्धि और सह अस्तित्व के एक नए युग की शुरुआत हुई। इसको इस जम्मू कश्मीर के युवाओं ने बल देना है। ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, ये विकास जो आपको दिखाई पड़ता है, मैं विकास के आंकड़े और बाकी सारी बातें भी बताता हूं, क्योंकि ढेर सारा अपप्रचार होता है कि हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। आज 45,000 से ज्यादा युवा यहां पर बैठे हैं, सब कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। जीवन में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी चीज होती है मित्र, और बहुत सारा विकास का काम भी शुरू हुआ है, और हम चाहते हैं कि कश्मीर पहले भारत सरकार से मदद आती थी, आज भी आती है, आनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सहा है कश्मीर ने, परंतु एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि कश्मीर भारत सरकार के भारत के विकास के लिए कंट्रीब्यूट करे, लेने वाला नहीं, भारत को देने वाला प्रदेश बने। इस प्रकार का हमारा जम्मू कश्मीर बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा। 5 अगस्त 2019 के पहले कश्मीर का युवा इस देश का वित्त मंत्री या गृह मंत्री या देश का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने का सोच सकता था? 70 साल की जमहूरियत में क्या दिया? 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। मैं नाम लेना नहीं चाहता परिवार का, सब जानते हैं। मोदी जी ने 30,000 चुने हुए प्रतिनिधि देने का काम इतने कम समय के अंदर दिया है, और मैं मानता हूं कि लगभग पंचायत चुनाव में 4,291 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ, ब्लॉक विकास परिषद के अंदर 285 तहसील पंचायतों का और जिला परिषद की 280 सीटों का चुनाव हुआ, और बढ़ चढ़कर 98% तक लोगों ने वोट डाले हैं, और लगभग 30,000 प्रतिनिधि आज अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, अधिकार को प्राप्त किए हैं और जम्मू कश्मीर की सेवा कर रहे हैं। जो लोग चिल्ला रहे हैं वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि जमहूरियत, लोकतंत्र 3 परिवारों की गिरफ्त से निकल एक गरीब के घर में गई है। हर पंचायत में एक वार्ड का सदस्य आया है, तहसील पंचायत में उसका एक तहसील पंचायत का सदस्य आया है, ब्लॉक का सदस्य आया है, हर जिला पंचायत में जिला पंचायत का सदस्य आया है। लोकतंत्र को घास रूट लेवल पर परकोलेट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और जम्मू कश्मीर में 7 अर्थ में इतने सालों के बाद लोकतंत्र की शुरुआत करी। देश भर में त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत सालों पहले हो गई थी, मगर जम्मू कश्मीर में नहीं हुई थी, और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर किसी को मिली है तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे युवाओं को मिली है। मुझे बताओ बोला, गांव में पंच सरपंच कौन बनेगा? 5 साल के बाद आप ही बनोगे। पंच सरपंच बनोगे तो जिला पंचायत के सदस्य भी बन सकते हो, जिला पंचायत के सदस्य बन सकते हो तो फिर विधायक भी बन सकते हो, और विधायक बनते हो तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री।